बात एमपी की सियासत की। एमपी में कांग्रेस 15 साल के सत्ता के बनवास को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की रजत राकेश टंडन ने, आइए सुनते हैं। That's now joining campaign committee chief of Congress party from Madhya Pradesh. So BJP is targeting your Rahul Gandhi's temple run. They're saying that Rahul Gandhi has to go to temples to fetch votes. भाजपा को बड़ी खुजली आती है जब कोई भी कांग्रेसी मंदिर में जाए, तो भाजपा को बड़ी खुजली आती है क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी मोनोपोली है मंदिरों पर, उनकी मोनोपोली है हिंदू धर्म पर। ये भूल जाते हैं हिंदू धर्म का नींव कि हमारा धर्म नहीं है, हमारा तो दर्शन शास्त्र है जो वासुदेव कुटुंबक सदैव पूरे विश्व को साथ में लेकर चलता है। ये हिंदू धर्म की नींव होती है और जो भाजपा की संकीर्ण विचारधारा है, जो उनकी सांप्रदायिकता की सोच है, वो इसी में प्रकट होती है। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, भाजपा की भ्रष्टाचार विनाशकाल नीति, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण, किसान की आत्महत्या, नौजवान की बेरोजगारी, महिला की असुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। बचा क्या मध्य प्रदेश में? अब आज श्योपुर हम लोग जा रहे हैं, कुपोषण का केंद्र बन चुका है, मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी बन चुकी है। ये नंबर वन जो है, हम लोग नंबर वन है दलित और आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, कुपोषण में। ये नंबर वन का टैग सारे शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश को दे दिया है।